यहाँ पे मैं आपको कुछ अपने कमेंट शो कर रही हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू। मैंने उधर आवाज़ रिकॉर्ड करी थी, वो रिकॉर्ड हो नहीं पाई थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी ही प्लाइट से गुजर रहे हैं, हमारे ही दर्द से गुजर रहे हैं, जिनके भी 112, 115, 110, 120 के अंदर नंबर रह गए हैं। तो उन सब के लिए एक होप बन सकती है, एक चीज़ें बन सकती है। तो चलिए, आज के जिस वीडियो के सेशन में मुझे बात करनी है, वो बात करनी है इसी के रिगार्डिंग कि कैसे आगे हम अपनी तैयारी को करें। KVS का PRT एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया, उससे हमारे मेरिट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो इन सारी चीज़ों के विषय में आगे हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो कमेंट आप देखिए, और एक ने कमेंट करा तू खाना बना, तो ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी, मैं खाना बनाऊँ कि मैं क्या करूँ। बट जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ में ये सारी सेम चीज़ें चल रही हैं, उनके रिगार्डिंग भी हम बात करते हैं और देखते हैं क्या होता है। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। लकी दादा दो खाना बनाने का चैनल है, बट पार्टी यहाँ पे KVS PRT की हो रही है। और कल किसी एक ने कमेंट भी किया था कि ढाबे पे KVS PRT, तो KVS PRT और रेस्टोरेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो तो ढाबे पे भी हो सकते हैं, दुकान पे भी हो सकते हैं। KVS PRT एग्ज़ाम कैंसिल, अब आगे क्या होगा, जो मार्जिन लाइन पे हैं वो क्या करें क्या ना करें। मैं लिटरली बताऊँ, मैं कल तक बहुत डिमोटिवेट थी, मैं कल तक बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट थी। एंड इट वॉज लाइक दैट कि एंड ऑफ माई लाइफ ख़त्म हो चुका है। और कल मैं क्लास 6 में एक अरेंजमेंट में गई, एंड बेसिकली मैं कंप्यूटर टीचर हूँ, बट वहाँ पे बच्चों का इंग्लिश का पीरियड था। मैंने उनकी ग्रामर की किताब देखी और मैंने सोचा कि चलो ठीक है कुछ मैं उनको पढ़ा देती हूँ। और जब मैं उनको नॉन प्रोनाउन पढ़ाना शुरू किया तो मेरी आंखों से लिटरली बच्चों के सामने ही आँख से आंसू आने लगे, ये सोच करके कि यार कब तक ये चलता रहेगा, कब तक मैं ये सब करती रहूँगी। और बहुत डिमोटिवेट हो गए। और उसके बाद में मैंने फिर कल एक वीडियो बनाई कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। बट आपका प्यार और जितने लोगों ने कमेंट किया ना, एक एक नई ऊर्जा आ चुकी है अंदर। जी हाँ, अंदर एक सच में नई ऊर्जा आ चुकी है। अब दिल मेरा कर रहा है लोगों का कमेंट पढ़ करके कि यार मुझे ये चीज़ स्टॉप नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको सच बताऊँ, मैं एग्ज़ाम दे करके आई थी, तो उसके बाद मैंने चीज़ों को स्टॉप नहीं किया था। मेरी जो तैयारी थी इंटरव्यू के लिए शुरू हो चुकी थी, यानी कि मैंने 2-3 पोएम्स लर्न कर ली थी। और मैं जैसे बेसिकली उत्तर प्रदेश से हूँ, तो वॉट स्पेशल अबाउट उत्तर प्रदेश, गोंडा स्पेशल, मेरा नाम का अर्थ, मैं कौन से कुल खानदान में पैदा हुई हूँ, इन सब चीज़ों को मैंने जानने लगी थी। मैं अपनी एक फ्रेंड है अंजू, जिसके साथ मिलकर मैं तैयारी कर रही थी, तो उसके साथ में हम लोगों ने टेलीफोनिक एक अपना इंटरव्यू की, हाउ कैन वी गिव आर इंट्रोडक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बातें करनी शेयर कर दी थी। तो शायद इतनी तैयारियां जो शुरू हो चुकी थी इंटरव्यू को लेकर के, जो मैं इतनी पॉजिटिव थी, और ऑल ऑफ सडन चीज़ों का रुकना मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट किया था चीज़ों का। बट कल आपके मैसेज के बाद में ना, मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हुई। और मैंने ये सोचा कि यार KVS PRT एग्ज़ाम जंग अभी जारी है, दैट जंग शुड नॉट स्टॉप। लिटरली ये जंग जो है वो स्टॉप नहीं होनी चाहिए, और आई थिंक ये फाइट तब तक चलनी चाहिए जब तक के फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है। क्योंकि एक लोगों का कमेंट आया था, मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा रही हूँ, उन्होंने मुझे ये कमेंट मतलब किया कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, और इवन माई जो मेरी फ्रेंड अंजू है, उसने PGT के लिए भी एग्ज़ाम दिया था और उसने PRT के लिए भी दिया था, और PGT में भी उसके 127 नंबर आ रहे हैं, PRT में भी उसके 140 नंबर आ रहे हैं। तो नाउ शी इज़ कन्फ्यूज कि उसे कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने PGT के लिए भी दिया होगा, TGT के लिए भी दिया होगा, PRT के लिए दिया होगा, और अगर वो अच्छे होंगे तो उनका निकला होगा, जैसे मेरी फ्रेंड अंजू का निकला हुआ है दोनों में। तो ऐसी कंडीशन में जो हम जैसे एस्पिरेंट हैं, जो 115 120 पे रुके हुए हैं, और अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद में, जैसे मुझे पता है कि मेरे आंसर के में बहुत सारे क्वेश्चन गलत है, बट अगेन वही चैलेंज कि कौन चैलेंज करने जाए वाला, जो चैलेंज है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क वो फंसा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो उसमें छटेंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी जिनका किसी एक अच्छी जगह पे हो गया होगा तो वो भी हटेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग अभी हटने वाले हैं, हमारे पास अभी चांस है कि हम चीज़ों को कर सकते हैं। और जहाँ तक रही बात कि ये जो KVS का PRT का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो PRT का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है वो एक बहुत ही रिलायबल सोर्स है, मेरे गुरुदेव रोहित सर, कभी उनसे मिली नहीं हूँ, एक ख्वाहिश थी कि मिलूंगी उनसे बट अभी मिल नहीं पाई हूँ। बट रोहित सर की कल एक वीडियो आई थी, उन्होंने बोला कि जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है वो 28 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का कुछ सेंटर का हुआ है, सारे सेंटर्स के एग्ज़ाम भी नहीं कैंसिल हुए हैं। और जहाँ तक रही बात कि KVS PRT का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, तो वो 28 तारीख के कुछ कुछ शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। तो अब यार ये कमेंट मेरे में आए कि जिनका 28 तारीख को पेपर होगा उनको और टाइम मिलेगा, वो और पढ़ाई करेंगे। बट मे भी हो सकता है कि जो हमारा पेपर आया था उसमें मैथ्स वगैरह बहुत ईजी आई थी, और उनके पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा और टफ चला जाए। और जहाँ तक बात चल रही है यार 140 या 130 वाले नंबर की, तो जो मैंने पोल्स देखे हैं वो नंबर बहुत कम है। ठीक है,
तो हम जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब 50% बच्चे तो हम जैसे ही हैं, और छटनी वटनी होने के बाद, बहुत कुछ होने के बाद हमारे केवीएस में इंटरव्यू के चांसेस हैं। ठीक है, जो भी आंसर शीट जैसा भी है, ये हम इसे चेंज नहीं कर सकते, बट इफ डेस्टिनी इज प्लेइंग विद अस, अगर सच में भाग्य हमारे साथ खेल रहा है, तो हमें भी उसको दिखाना है कि हम कठपुतली नहीं हैं और हमें आखिरी सांस तक लड़ना है। तो ये ऐसा मेरा जो विचार है वो ये है कि मैं अभी जैसे कि पिछले 14 साल से मैं टीचिंग में ही हूँ, ठीक है, मैं एज ए टीचर हूँ, और एक अच्छी खासी सैलरी भी मुझे मिल रही है, आई मीन अ वेरी रेपुटेटेड स्कूल, बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा है, बट अगेन एक झील है अंदर, एक जोश है अंदर कि एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए बस लगी पड़ी हूँ। और जो मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, इवन केवीएस में मैंने एज अ वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर मैंने काम भी किया है, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं अपना वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी, बट मैंने इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया था, डेमो प्रिपेयर किया था, सब कुछ प्रिपेयर करा था, और मैं अब चाहती हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करूँ और आप उसे जज करूँ कि इज इट ओके कि नहीं, क्योंकि अगर अब भाग्य हमारे साथ खेल रहा है तो हमें भी अब भाग्य के साथ खेलना है। और लिटरली मैं ये चाहती हूँ कि ना ये सब कुछ अब लाइव चले, कि यार मैं अपना डेमो, मैं अपना इंट्रोडक्शन, मैं सारी चीज़ें आपके संग में शेयर करूंगी, और उसके बाद में अगर नहीं होता है तो फिर एटलीस्ट ये कहने को नहीं रहेगा ना कि यार बंदे ने प्रिपेयर नहीं किया, और कोई और हमारे दर्द को समझे या ना समझे, बट हम जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने दिन रात को एक किया है, और आज जिनके 118, 115, 110 नंबर आ रहे हैं, जो आज किलस रहे हैं, बिलस रहे हैं, वो हमारे दर्द को अच्छे समझते हैं, क्योंकि बाकियों के लिए इट वॉज जस्ट एन एग्जाम, बट हमारे लिए इट वॉज अ लाइफ एंड वी विल मेक दिस अ लाइफ। तो अभी जंग जा रही है, हो सकता है जिसके नंबर 140, 150 आए हों, वो हमारे जैसा अच्छा ना हो एज ए डेमो टीचिंग में, अगर हम अच्छे नहीं हैं डेमो टीचिंग में, तो वी विल मेक आर डेमो टीचिंग गुड। और मैं ऐसा सोच रही थी कि हमें एक अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी बनानी चाहिए, जहाँ पे हम जैसे ऐसे हैं जिनके पास में अभी एक मार्जिन लाइन पे हैं, जो पैसा वेस्ट नहीं कर सकते कोचिंग सोचिंग के लिए, तो हम हारे हुए ना एक दूसरे का सहारा बनते हैं, ठीक है, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, बट भगवान के बिना तो कुछ नहीं होता है, पर रियल में जो हारे का सहारा है ना, वो हारा हुआ व्यक्ति ही होता है। तो चलिए, एक मुहिम नहीं, कोई ट्विटर नहीं, कुछ नहीं, बट जो हम हारे हुए लोग हैं ना, ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मैं सोच रही हूँ, क्योंकि अब हमें टाइम मिल जाएगा, क्योंकि अभी केवीएस का, पीआरटी का जो री एग्जाम है वो होगा, कुछ ही सेंटर का होना है, बट होना है, उनका पेपर तैयार करना है, एक दोबारा से आंसर किया ये सारी चीज़ें आएंगी, तब तक कि हमारे पास टाइम है, हम तैयारी करते हैं, अगर हमें इंटरव्यू में जाने का चांस मिलता है तो वेल एंड गुड, वी विल ड्रॉप देयर, ठीक है, केवीएस में नौकरी हम ले लेंगे, नहीं मिलता है तो भी उसके बाद अभी सुपर टेट है, TSSP है, प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बहुत सारे अच्छे पैसे देते हैं, और मैं प्राइवेट स्कूल्स का बताऊँ, लिटरली मैंने बहुत इंटरव्यू फेस किया, इट हैज़ बीन 14 ईयर ऑफ माई टीचिंग करियर, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ मैंने फेस किया है, और जब मैं यूपी में थी तब तो उतना नहीं, देहरादून आने के बाद कम से कम 20 स्कूल्स में मैंने ट्राई किया होगा, और 20 स्कूल में ट्राई करने के बाद जिस स्कूल में अभी मैं हूँ वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है, बिकॉज वो नियर बाई में था, एक NGO-based स्कूल था, पेमेंट इन कंपेरिजन ऑफ अदर स्कूल्स बेस्ट थी, क्योंकि देहरादून कहने के लिए एजुकेशन है, बट यहाँ पर सैलरी की बहुत मारा मारी है, तो बहुत कुछ देखते हुए मैंने एक अच्छा स्कूल ज्वाइन किया था, एक अच्छी सैलरी भी अवेल कर रही हूँ, पर फिर भी अब जोश है जिसको जिंदा रखना है, मैंने अपने बच्चों के साथ में एक डेमो टीचिंग की भी प्रैक्टिस करी थी, बहुत सारी कविताएं मैंने याद करी है, इंट्रोडक्शन मैंने अपना प्रिपेयर करा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हम कहाँ से शुरू करते हैं एक डेमो टीचिंग के साथ में, क्योंकि देखिए पता है जो हमें एक जो इंस्ट्रक्टर हैं जो बता रहे हैं, उनके पीछे स्मार्ट बोर्ड पे पोएम चल रही है और उसके बाद में वो उसको कर रहे हैं, बट जाहिर सी बात है कि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है जिस पे हम अपनी पोएम को लिखें और तैयार करें, तो हम एक रियल वे में हम कैसे खुद को प्रेजेंट करेंगे, इस बात पे हमें डिस्कस करना है, ठीक है, तो एक हमें अपना डेमो भी प्रिपेयर करना है, अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, और हम एक दूसरे का साथ देंगे, अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि हमें अपनी शुरुआत कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हम फाइट में हैं अभी, हम खुद को अभी से लूज़र मान के नहीं बैठ सकते हैं, और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जितने लोगों ने मेरे वीडियो को देखा था, प्रीवियस वीडियो को, जितनों ने मुझे ये जोश दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहती हूँ कि इस जोश के साथ हम सब आगे बढ़ें, क्योंकि वैकेंसी है, नौकरी हमें मिलनी चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और आप नहीं भी बताएंगे तो भी मैं डेमो वाली वीडियो और जो मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि कोई ना कोई तो देखेगा देखेगा, और वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि मैं इस चीज़ को और अच्छे से कैसे कर सकती हूँ, तो अपने इस टीचिंग एक्सपीरियंस को मैं तो ख़राब नहीं जाने देने वाली हूँ, थैंक्स लॉट, जंग अभी जा रही है, नौकरी है हमारी, रोहित सर का नारा है, बाय।